हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपी जुडिशरी को लेके। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाली अपडेट्स वीडियो आपको मिलती रहे। तो अभी हम बात करने वाले हैं एमपी जुडिशरी को लेके कि जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है उसमें, ठीक है, कि बहुत टाइम से न्यूज आ रही थी कि जैसे एक्सपीरियंस है क्या, कैटेगरी वाइज हमें मतलब जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या परसेंटेज है वो चेंज होगी, क्या क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो अपडेट्स में आ रही थी बार बार, पर अभी एक ऑफिशियली अपडेट आ गई है एमपी जुडिशरी को लेके कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो सिविल जज है उसको बनने के लिए काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए, आज हम उसी को देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए, एमपी जो जुडिशरी है उसमें कुछ जो चेंजेस हुए हैं उसमें अमेंडमेंट किया है जुडिशरी सर्विस के रूल्स में। इसमें क्या किया कि जो पहले एक्सपीरियंस और जो मार्क्स थे एलएलबी के, उनमें चेंजेस किया है कि इसमें बताया गया कि जो आपकी अगर एलएलबी पास करते हैं आप, तो जनरल कैटेगरी को जो भी सिविल जज के जो एग्ज़ाम देंगे उनको 70% स्कोर होना चाहिए, ठीक है, और तभी आप मतलब एमपी जुडिशरी का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। साथ ही में एससी एसटी को 50% क्राइटेरिया दिया है, चाहे वो आपका जैसे हम देखें कि चाहे 3 ईयर एलएलबी हो चाहे 5 ईयर एलएलबी हो, आपको एससी एसटी में 50% स्कोर होना चाहिए और आपका जो ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी है उसमें 70% स्कोर होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी जो है हम बताते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपका फुलफ़िल होगा। अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं है 70% और 50% मार्क्स, तो इसके अलावा और क्या ऑप्शन दिया है। अगर ये ऐसा नहीं है कि आपके 70% या 50% मार्क्स नहीं है, तो आपको मतलब 3 साल का जो है एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस जो एग्ज़ाम में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। जैसा कि न्यूज़ में भी आया है, ऑफिशियल अपडेट्स भी आ गई है कि आपको 2 चीज़ें हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ेगी, या तो 70% मार्क्स या फिर आपको 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी बताया कि अगर जैसे कोई भी सिविल जज बन जाता है और उसके बाद अगर कोई जैसे बॉन्ड की जो बॉन्ड है जो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है, इसमें अगर कोई भी 5 साल से पहले नौकरी छोड़ता है सिविल जज की, तो उसको 10 लाख रुपये जमा कराने होंगे। तो ये 3 चीज़ें चेंज की गई हैं, ठीक है। और जो इसमें इसलिए चेंज की गई क्योंकि जो एलिजिबल होंगे जो लोग, जैसे 70% मार्क्स हैं साथ ही में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो इससे क्या होगा कि परीक्षा में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो नंबर वो घट जाएगी और इसमें बहुत कम जो कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे और इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये सारे एमपी जुडिशरी में चेंजेस किए गए हैं। ये मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम में संशोधन किया गया है, जो जुडिशरी सर्विस का होता है उसमें रूल्स थे जो अब सारे चेंजेस कर दिए गए हैं।